एमक्यूएम बड़ी जमात और उनके एमक्यूएम पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ और उनके सरबराह जनाब फारूक सत्तार को आज की खबर यह है कि उनको एब्सकॉन्डर या इश्तिहारी जो है वो करार दे दिया गया है। सेनेटर साहब, इश्तिहारी करार दे दिया गया है, ये लफ्ज़ पार्टी के सरबराह के लिए जचने वाले अल्फाज नहीं है, क्यों आपको नहीं लगता? हमने पहले बात की थी कि शजील महमद साहब पहले पेश हो जाते तो फारूक सत्तार साहब के अगर अरेस्ट वारंट निकले हुए हैं, लेट्स फेस इट, फेस करें। सिर्फ ये वाली बात नहीं है, असूलों की भी बात है, उनके ऊपर अरेस्ट वारंट निकला हुआ है कि किसी की तकरीर सुने। हम एक ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग के पास एक ब्रेन होती है, हम हर एक की बात सुन सकते हैं। मैंने लेनिन की बातें सुनी हुई हैं, मैं कम्युनिस्ट नहीं बना। मैंने मौदूदी साहब की बात सुनी है, मैं जमात इस्लामी में नहीं गया। तो ये तो इंसान की अपनी मर्जी होती है कि वो किधर जाता है, क्या करता है। लेकिन अरेंज अगर आपने करवाई हो वो तकरीर, नहीं अरेंज क्या उसकी इंतजामिया का आप हिस्सा हो जिस तकरीर और बैठ के आप वहाँ पे नोट्स भी ले रहे हो उस तकरीर के? सर नहीं, तो तकरीर ले रहे हैं तो जब तक सब तकरीर ठीक थी तब तक तो सब कुछ ठीक था। जब उन्होंने एक अल्फाज बोला पाकिस्तान के खिलाफ जी, तो सब ना के डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, सारी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने एकदम अपनी हुब्बे-वतनी दिखा दी। उन्होंने कहा नहीं, नथिंग डूइंग, हम लोग ये बर्दाश्त नहीं कर सकते पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी बोले। यहाँ तक वैसे मैं आपसे एग्री करता हूँ, मैं एग्री करता हूँ उसी वक्त। लेकिन आपको नहीं लगता कि उसका हल ये नहीं है कि आप भागें और आपके इदारे आपके कोई भागा नहीं, कोई सफाई आप अदालत में देते जाए? कोई भागा नहीं, कब भागे? सारे के सारे एमएनएस के ऊपर केस है, सारे एमपीएस के ऊपर केस है, सारे सेनेटर्स के ऊपर केस है, ये तो हर एक के ऊपर किया हुआ है। इमरान इस्माइल साहब, तो ये कानून तो सब कुछ इनको याद आ जाता है, तो बाकी कानून किधर है? आज हमारा चीफ मिनिस्टर वो सिर्फ पीपल्स पार्टी का नहीं है, वो जियाला नहीं है, वो हमारे रिस्पेक्टेड एंड लव बिलवड चीफ मिनिस्टर हैं। उन्होंने आज कहा है कि मैं फेडरेशन जाए, कैसे जाए फेडरेशन एक आदमी के लिए? सवाल फिर वही उठता है ना, एक आदमी के लिए वो कह रहे हैं कि फेडरेशन गेट आउट ऑफ द प्रॉब्लम, फारूक सत्तार पाकिस्तानी को ये बर्दाश्त सर नहीं है। बेशक इदारे गलत होंगे लेकिन सर उसका एक तरीका ड्यू प्रोसेस होगा ना सर? ड्यू प्रोसेस साहब नहीं कहना, ये टीवी पे कहना कि पाकिस्तान के फेडरेशन के गेट आउट हो जाए, फेडरेशन गेट आउट हो जाए मेरी प्रोविंस, ये कैसे कह सकते हैं? ये डिबेटेबल बात है। इमरान इस्माइल साहब सर वो कह रहे हैं